आज हम बनाने वाले हैं आलू सेव भुजिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अक्सर हम बाज़ार से ले आते हैं, खाते हैं, क्यों ना हम इसे घर पे बना के तैयार करें। घर पे भी बिल्कुल मार्केट के जैसा ही स्वाद होगा, उतना ही क्रिस्पी हमारा जो है भुजिया बन के तैयार होगा। तो बनाना भी बहुत आसान है, आराम से हम इसे बना सकते हैं। बस घर के रखे हुए चीज़ों से इसे हम बना के तैयार कर सकते हैं और उतनी ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो चलिए इस सेव भुजिया को बना के तैयार कर लेते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। नमस्ते दोस्तों, बनाओ मचाओ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए हमने उबले हुए 4 पीस आलू लिए हैं और वजन में देखिए तो 250 ग्राम हमारा आलू है। आलू को उबाल के छील के इसे हमने ठंडा कर लिया है। इसमें ठंडा आलू ही डालेंगे तो ही भुजिया जो है हमारी क्रिस्पी बनके तैयार होगी। तो पहले हम आलू को टुकड़े टुकड़े कट कर लेंगे, जिससे इसे मसलने में हमें आसानी हो जाए। छोटे पीस रहेंगे तो इसे अच्छे से मसल सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। सारे आलू को हमने काट लिया है और हमने एक कांटे वाली चम्मच ली है और इस कांटे वाली चम्मच से इसे हम मसलेंगे तो बिल्कुल आलू जो है हमारा बारीक हो जाएगा, इसमें एक भी गुठलिया नहीं रहेगी। आप चाहे तो इसे मैसर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे बहुत इजी मेरे लिए हो जाता है फॉक से करना, क्योंकि फॉक से बहुत आराम से हो जाते हैं, बिल्कुल इसमें गुठली नहीं रहती है। इस तरह से सारे आलू को हम मसल के तैयार कर लेते हैं। और देखिए आलू को हमने बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। इसी तरह का आलू भुजिया बनाने के लिए हमें आलू चाहिए। अगर गुठलियाँ रहेगी तो हमारा जो भुजिया है अच्छा नहीं बनेगा। तो बिल्कुल मैश अच्छे से होना चाहिए आलू, तभी हम उसका भुजिया बना सकते हैं। तो बिल्कुल आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल गुठली नहीं है। अभी इसे हम डाल लेते हैं एक बॉल में, क्योंकि इसमें और मसाले हमें डालना है, जिससे हमारा जो भुजिया है बिल्कुल चटपटा सा मार्केट की तरफ बन के तैयार हो। अक्सर हम जाते हैं लाते हैं भुजिया और बहुत महंगी मिलती है, तो क्यों ना हम इस तरह से घर पे भी बना के इसे तैयार करें। आलू को हमने डाल दिया बॉल में और इसमें हम डालेंगे बेसन। तो देखिए हमने बेसन लिया है, वजन में देखिए तो 200 ग्राम हमारा बेसन है। तो सारे बेसन को हम इसमें डाल देते हैं, तभी तो भुजिया हमारी बनेगी अच्छी। तो सारे बेसन को हम डाल दे रहे हैं इसमें और इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। आधी चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और आधी चम्मच हमने हल्दी का पाउडर डाला है, जिससे भुजिया में बहुत अच्छा कलर आएगा। आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम एक चम्मच डाल देते हैं अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो लहसुन का और मिर्ची का भी पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अदरक का पेस्ट एक चम्मच डाली हूँ। डाल के सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, आलू से ही हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। 2 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे, जिससे चिपचिपा सा ना लगे बेसन हमारा, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें हमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना, नहीं तो पानी जैसे हम डालेंगे बेसन जो है बिल्कुल गीला हो जाएगा, भुजिया हम उसका बना नहीं पाएंगे। तो बस आलू जैसा ही है, आलू में ही इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल इस तरह के आटा नहीं बनता, उस तरह का आटे डो फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर करके आलू और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसे हमने हाथ से ही मिक्स कर लिया, क्योंकि स्पून से नहीं हो पा रहा था, और बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। देख सकते हैं बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक चम्मच तेल लगा देंगे, ताकि चिपचिपा सा ना लगे, बेसन थोड़ा हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि हमारा बेसन अच्छे से फूल जाए। भुजिया बनाने के लिए इस तरह का हमने सेव मेकर लिया है, इसी में हम भुजिया बनाएंगे। और ये इसकी प्लेटें हैं, जिसमें हम इसे तेल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हम बेसन का डो डालें इसमें आलू का, वो चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसकी प्लेटें और इसकी जो अंदर की है ना, इसे पूरा अच्छे से ग्रीस कर देंगे, ताकि हम इसमें डालें तो डो हमारा चिपके नहीं। और देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से इसे तेल लगा के ग्रीस कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। तो इस तरह का मेकर मिल जाते हैं अक्सर बाज़ार में, आप लेके बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है बनाना। और इसे हमने ग्रीस कर लिया, जो हमने आलू और बेसन का डो बना के रखा उसे हम उसमें मेकर में अपना डाल देंगे। तो पहले इसे हम इस तरह से बना लेंगे, ताकि ईजिली हमारा जो मेकर में है अच्छे से चला जाए। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से भर देना है। तो अभी हमारा मेकर जो है खाली है, तो थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं और इसके ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे। और बिल्कुल अच्छे से हमें इसे टाइट कर देना है, ताकि जब हम सेव बनाएं तो ये ढक्कन इसका खुले नहीं।
अगर लूज रहेगा तो खुल जाएगा। और इसे हम इस तरह से घुमाते हुए इसका सेव बना के तैयार करेंगे। और देखिए जैसे हमने टाइट किया ढक्कन तो ये अपने आप ही निकलने लगे हैं, तो अभी तो पूरा फिल है इसलिए निकल रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम बना लेते हैं अपना सेव भुजिया। उसके लिए हमने तेल रखा है पैन में गर्म होने के लिए। सेव भुजिया को तलते समय गैस का फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से सेव भी डालना है तो ज़्यादा तेल गर्म हो जाएगा तो नीचे से जल जाएंगे। और इस तरह से अपना सेव मेकर से घुमाते हुए सारे अपने सेव को डालेंगे। और देख सकते हैं तेल हमारा कितना गर्म है कि छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। और इसे हम डाल के और कुछ देर तक एक साइड सिकने देंगे अच्छे से। जब एक साइड अच्छे से सिक जाएगा उसके बाद हम इसे पलटेंगे। एक साइड हमारा सेव बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, अब इसे हम पलटेंगे। तो देख सकते हैं मतलब लच्छे जाली की तरफ बने हुए हैं, अब इसे हम पलट देते हैं। पलटते समय हमें ध्यान देना होगा कि एक तरफ जब अच्छे से सिक जाए तभी हम पलटें, नहीं तो वो क्रिस्पी अच्छे से नहीं हो पाते। जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तो उसे पलट दीजिए और इधर भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसे तल लेंगे। ये सेव भुजिया बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बन के तैयार हुआ। और इसी तरह से सारे को हम बना के तैयार कर लेते हैं। और ढेर सारा हमने आलू सेव भुजिया बना के तैयार कर लिए। देख सकते हैं कितने लच्छे दिख रहे हैं। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं, तो अक्सर हम मार्केट से जो लाते हैं तो क्यों ना हम घर में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। क्योंकि घर के बनी हुई चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत नेचुरल बनती है। क्योंकि जो हम चीज़ डालते हैं, जैसे तेल में हम फ्राई करते हैं तो तेल हमारा बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बाज़ार से जब हम लाते हैं तो कैसे कैसे तेल में फ्राई करके देते हैं वो हमें पता नहीं रहता, जिसकी वजह से बच्चे के पेट ख़राब हो सकते हैं, बड़ों का भी पेट ख़राब हो सकता है जब हम इस तरह के खाते हैं तो। और ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, और इसे आप चाट के साथ खा सकते हैं, इसके चाट बना के खा सकते हैं। ये हमारी सेव भुजिया बन के रेडी है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ। इस तरह का आलू सेव भुजिया बना के आप स्टोर भी करके रखिए, आप एक महीना दो महीना खाइए, आपका भुजिया कभी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसे हमने इस तरह के प्लेट में सर्व कर देते हैं। आलू सेव भुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।